Hello everyone, this is Deepak Malve and today we are going to discuss how to calculate or design stay in pressed steel water tank. So ये next lecture है जिसमें already मैं आप लोगों को इससे पहले के lectures में pressed steel water tank क्या होता है उसका introduction दे चुका हूँ, समझा चुका हूँ कि basically होता क्या है. सेकेंड में हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल शुरू किया था जिसमें मैंने आपको हाउ टू कैलकुलेट डायमेंशन ऑफ प्रेस्ड स्टील वाटर टैंक वो सब बताया था कि अगर आपको प्रेस्ड स्टील वाटर टैंक में डायमेंशन निकालनी है और आपको सिर्फ वॉल्यूम दिया हुआ है तो उस डायमेंशन को आप कैसे कैलकुलेट करते हो, तो वो डायमेंशन निकालना मैंने लास्ट लेक्चर में सिखाया था, उसके लिए आप मेरा लास्ट लेक्चर देख सकते हैं. तो उसमें पहला स्टेप आपका गिवन डेटा था वो मैंने बता दिया था. सेकेंड स्टेप में आप लोग आगे गए थे जिसमें हम लोगों ने डायमेंशंस निकालना सीखा था, तो हमने डायमेंशन निकाल लिया था. और स्टेप नंबर 3 में मैंने आपको थिकनेस ऑफ प्लेट को कैसे सेलेक्ट करते हैं प्रेस्ड स्टील वाटर टैंक के लिए वो प्लेट का सिलेक्शन बता दिया था. तो 3 स्टेप्स मैं पहले कर चुका हूं, उसके आगे की 4th स्टेप मैं आप लोगों को बता रहा हूं, राइट. तो ये 4th स्टेप में डिजाइन ऑफ स्टे करना है. स्टे की डिजाइनिंग मोस्टली पूछी जाती है एग्जाम में. तो स्टे बेसिकली क्या है, तो ये जो यहाँ पे मैंने डायग्राम बताया हुआ है आपको, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये जो हॉरिजॉन्टल मैंने प्रोवाइड किया हुआ है, ये जो डायगोनल है ये स्टे, इसको बोलते हैं टॉप स्टे क्योंकि ये बड़ा है, टॉप पे लगा हुआ है, टॉप से कनेक्टेड है टॉप स्टे. और नीचे भी एक लगा हुआ है, इसको बोलते हैं बॉटम स्टे क्योंकि ये बॉटम से कनेक्टेड है, क्लियर है. इसी तरीके से साइड पे रहता है. और इसको अगर आप एक्चुअल इसके स्ट्रक्चर में आप देखें तो ये कैसा दिखेगा, तो इसके लिए मैंने आपको ये लास्ट क्लास में भी समझाया था, ये इसका अंदर का पूरा स्ट्रक्चर है. तो इस स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे देखिए ये बॉटम स्टे लगा है, ये लगा है, और इसके ऊपर देखिए आप ये टॉप स्टे लगा है. तो अगर इस वाले डायग्राम को मैं यहां से देखूं, ये तो 3D डायग्राम है, अगर मैं फ्रंट से ऐसे देखूं यहां से देखता हूं तो यहां से आपको क्या दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा, ये दो हाइट की प्लेट दिखेंगी, फिर ये फ्लोर दिखेगा और यहां से दो हाइट आप दो प्लेट की हाइट दिखेगी. तो यहां पे एक ही छोटा स्टे लगेगा बड़ा लगेगा और यहां पे भी एक ऐसा छोटा लगेगा और एक यहां पे बड़ा लगेगा. तो अगर मैं इसको फ्रंट से खड़े होकर देखता हूं तो ये स्ट्रक्चर मुझे ऐसा दिखेगा. उसके नीचे फिर सपोर्ट के लिए आई सेक्शन लगाते हैं, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था ये आई सेक्शन लगे हैं जो इसकी प्लेट के जॉइंट को सपोर्ट करेंगे, और इन आई सेक्शन को सपोर्ट करने के लिए मेन आई सेक्शन लगता है, तो ये मेन आई सेक्शन लगा. और ये जो स्टे प्रोवाइड किए जाते हैं ये नॉर्मली 45 के एंगल पे होते हैं, तो ये 45 के एंगल पे. और इनके ऊपर जो मैंने डायरेक्शंस बताई हैं आपको, देख रहे हैं आप ये डायरेक्शन लिए है मैंने, ये अंदर की तरफ लिए, वो इसलिए लिए क्योंकि जब वाटर का प्रेशर आएगा तो ये टैंक पे, जब पानी का प्रेशर आएगा तो ये नीचे जाएगा यहां से, तो इसका मतलब ये स्टे क्या करेगा, इसको पुल करके रखेगा, मतलब अपनी तरफ में खींचेगा, इसलिए इसका डायरेक्शन जो है वो इनसाइड है. ये वाला डायरेक्शन भी क्या है, इनसाइड है, ये भी इसको क्या करेगा, इनसाइड आपका पुल करके रखेगा. अब मैं आगे जाता हूं, उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं वो बताता हूं. तो कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये जो देख रहे हैं ये बड़ा वाला स्टे टॉप स्टे और ये बॉटम स्टे, इतना डायग्राम फ्रीली बना लीजिए यहां से लेके यहां तक. तो यहां से ये बड़ा टॉप स्टे आ गया, ठीक, उसके बाद ये प्लेट आ गई और ये बॉटम स्टे आ गया, तो ये बॉटम स्टे आ गया. तो यहां से यहां तक कितनी लेंथ आपकी कवर हो रही है, ये 1.25 की प्लेट है तो 1.25 प्लस 1.25 इसका मतलब टोटल 2.5 मीटर, ठीक है, हाइट में कैसी 1.25 और 1.25 तो ये टोटल कितनी हो जाएगी 2.5 मीटर, जिसमें आपका बॉटम स्टे भी आ जाएगा और टॉप स्टे भी आ जाएगा. उसके बाद आप क्या करिएगा, उसके बाद आप लोगों को क्या करना है कि ये जो इंटरनली मैंने यहां पे ये फोर्स आपको बताया हुआ है जिसकी डायरेक्शन मैं अभी आपको समझा चुका हूं, इसको बोलते हैं F1. टॉप पे जो लगेगा ये जो पुल करके, जितना पुल करेगा तो कितना पुल कर रहा है उस हिसाब से इसकी डिजाइनिंग होती है, तो ये जो रहेगा वो F1 रहेगा. और बॉटम वाला जो पुल करेगा उसको हम क्या बोल रहे हैं F2. वी आर F1 इज टोटल जो फोर्स रजिस्ट करेगा आपका स्टे या उसके ऊपर जो डेवलप होगा वो F1 है, और बॉटम स्टे पे जितना रजिस्ट होगा या जितना डेवलप होगा वो क्या है आपका F2 है. तो हमें F1 और F2 निकालना है, ये हमारा टारगेट है और उसके बेसिस पे हमको इसको डिजाइन करना है. और उसके बाद मैं आगे गया तो फिर मैंने क्या किया, यहां पे सबसे पहले इसको कैलकुलेट करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने यहां पे ये जो दिख रहा है आपको यहां पे वाटर का प्रेशर निकाला, ये निकाला है. तो इस वाटर के प्रेशर को मैं कैसे निकालूंगा, तो इसको निकालने के लिए मैंने यहां पे लिखा हुआ है लेट द टैंक इज अज्यूम फुल ऑफ वाटर इंक्लूडिंग फ्री बोर्ड, मतलब हम फ्री बोर्ड को इंक्लूड करके चल रहे हैं. तो इसको कैसे निकालेंगे, कंसीडर टॉप 1.25 मीटर हाइट, यहां से यहां तक वाटर की डेप्थ कितनी हो गई, यहां से यहां तक 1.25 हो गई, इसका मतलब आपको निकालना वाटर का डेप्थ 1.25 पे. तो आप इसको कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप यूनिट वेट ऑफ वाटर ले लीजिए जो कि 9.81 होता है, ठीक, मल्टीप्लाई बाय कितनी डेप्थ पे निकालना आपको 1.25 पे, तो 1.25, ठीक, और कितनी विड्थ कवर होगी, तो बेसिकली इसकी विड्थ भी कितनी है 1.25, तो 1.25, ठीक है. तो ये आ जाएगा 15.32 किलो न्यूटन पर मीटर पे, इसका मतलब 15.32 किलो न्यूटन पर मीटर पे ये निकाला है. अब इसी तरीके से आपको बॉटम पे यहां पे भी निकालना है. तो जब यहां पे आप निकालेंगे तो अब यहां पे क्या होगा, यहां पे भी यूनिट वेट ऑफ वाटर 9.81 रहेगा, लेकिन अब जो डेप्थ होगी वाटर की वो यहां से यहां तक की हो जाएगी, तो ये कितनी हो जाएगी 2.5, और विड्थ आपकी एज इट इज रहेगी. तो यहां पे फिर आपने निकाला वाटर का प्रेशर
तो वो कितना होगा 9.81 यूनिट वेट ऑफ वाटर, सिर्फ डेप्थ आप आपकी बढ़ गई वो 2.5 हो गया, बाकी ये 1.25 एज इट इज आपकी जो फिर्थ रहेगी। इससे जो वाटर का प्रेशर है 30.656 वो आपने बॉटम पे अप्लाई कर दिया। अब उसके बाद हम जाएंगे, उसके बाद हमको निकालना है टोटल फोर्स P1 एंड P2। अब ये क्या होता है, तो इसको इसका मतलब होता है, इसके लिए आप क्या करिएगा, एक और डायग्राम बनाइएगा, इसी डायग्राम को आप दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिएगा। कैसे कर दीजिएगा, इसको यहां से कट कर दीजिएगा, तो ये नीचे वाला पोर्शन अलग कर दीजिएगा, ऊपर वाला पोर्शन अलग, तो मैंने ये नीचे अलग कर दिया और ऊपर वाला अलग कर दिया। और इस पे फोर्स निकालना है, तो ये आपकी 1.25 मीटर हाइट है, ये तो आपको पता है, ये भी 1.25 है, क्लियर है। इस पॉइंट को ए बोल दीजिएगा, इसको बी बोल दीजिएगा, इसको सी बोल दीजिएगा। अब क्या करना है, आपने यहां पे तो वाटर का प्रेशर निकाल दिया, लेकिन अगर मैं बोलूं कि इसकी वजह से सीजी पे कितना फोर्स आएगा, इसके सीजी पे यहां पे, तो जो सीजी पे फोर्स आएगा ना वो यहां पे P1 है, और इसकी वजह से यहां इसके सीजी पे कितना आएगा वो जो है वो यहां पे P2 है। तो वो P1 और P2 हमें निकालना है, और उसके लिए अब जब ये P1 और P2 लगेगा, जैसे यहां पे P1 लगेगा, तो ये क्या करेगा, P1 इस प्लेट को प्रेस करके पीछे की तरफ में पुश करके पीछे की तरफ में वो करेगा, तो यहां से रिएक्शन मिलेगी, तो वो रिएक्शन क्या होगी, इस रिएक्शन को मैंने R1 बोला है, इस पॉइंट पे जो रिएक्शन मिलेगी वो R2 मिलेगी, इस पॉइंट पे जो रिएक्शन मिलेगी वो R3 मिलेगी। तो अब आपको ये R1 है तो इसको R1 ही बोला है, लेकिन अब मैंने इस पॉइंट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो ये जो R2 है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक को R2 बोल दिया और एक को R2 बोल दिया, और ये R3 एज इट इज आएगा, तो R3 एज इट इज आएगा। और ये याद रखिएगा R2 और R2 इक्वल किसके होगा, R2 के होगा। अब मुझे ये P1 और P2 निकालना है, तो P1 और P2 निकालने के लिए जब मैं जाऊंगा, तो P1 मैं कैसे निकालूंगा, सबसे पहले मैं देख लेता हूं कि यहां पे जो वाटर का प्रेशर कितना है, तो सिंपल सी बात है भाई, ये तो टॉप है ना, तो टॉप पे वाटर का प्रेशर कितना है, वहां पे डेप्थ आपकी वाटर की क्या है, जीरो, इसका मतलब प्रेशर कितना है, जीरो, और जैसे जैसे नीचे बढ़ते जाओगे प्रेशर कितना होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और मैक्सिमम कहां आएगा, यहां पे। और ये कितना निकला था, ये निकला आपका 15.32 जो हमने यहां निकाला था, इसका मतलब यहां पे ये फोर्स कितना होगा, तो इन दोनों का एवरेज होगा, तो इन दोनों का एवरेज होगा, तो मैंने यहां पे क्या लिया, देख सकते हैं आप, P1 निकालने के लिए फोर टॉप प्लेट के लिए P1 इक्वल 15.328, मतलब पहले 0 प्लस 15.328, तो इसका एवरेज लेना है, तो डिवाइड बाय 2 कर दिया और मल्टीप्लाई बाय कितनी हाइट पे कवर कर रहा है, 1.25 पे कर रहा है, तो 1.25 ले लिया, राइट। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, अगर आप इसमें कंफ्यूज हो तो आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, पहले लिख दिया 0 प्लस लिख दिया 15.328 डिवाइड बाय इसका एवरेज लेना है 2 मल्टीप्लाई बाय कितनी हाइट पे निकाल रहे हो, 1.25 के लिए, पहली प्लेट की हाइट 1.25, तो आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, राइट। तो आपने इसको P1 निकाल गया। अब P1 निकालने के बाद आप जाएंगे P2 के लिए, P2 मतलब आपको नीचे वाला निकालना है, तो आप नीचे वाला जब निकालेंगे तो यहां पे मैंने क्या लिखा है 15.32, क्यों, अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो यहां पे कितना लग रहा है, यहां से यहां तक, मतलब P2 मतलब यहां आ रहा है ना, मतलब इन दोनों के बीच में आएगा, इन दोनों के बीच में, मतलब इसका प्लस इसका, इसका एवरेज लेंगे तो ये कितना है 15.32 और ये कितना है 30.65, तो इसका एवरेज लेंगे और ये हाइट कितनी है 1.25, तो आपने जब ये निकाला तो इसके लिए आपने क्या लिखा, P2 के लिए 15.325 प्लस 30.656 डिवाइड बाय 2 इसका एवरेज इनटू 1.25, तो 1.25 लिया, तो P2 कितना आ गया 28.74 किलो न्यूटन, ये आपका निकला है। इस तरीके से P2 निकाल लिया। लेट अब अपन क्या निकालेंगे, तो आगे अपन कैलकुलेशन करेंगे इन रिएक्शंस का, जैसे P1 P2 निकल जाएंगे, अब आपको ये रिएक्शंस निकालने, तो ये रिएक्शन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए मैंने लिखा लेट R1 R2 R3 इज द रिएक्शन एट पॉइंट ए बी एंड सी एज शोन इन द फिगर। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने लिखा टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट बी, इसमें जैसे रिएक्शन आप लोग टॉस में निकालते थे अलग अलग मेथड में, वैसे हम निकाल रहे हैं, तो हमें ए पे निकालनी है, ए की निकालनी है, तो हम बी के अबाउट मूवमेंट लेंगे, इसका मतलब हम ए के लिए R1 निकाल रहे हैं, ये R1 निकाल रहे हैं, तो हम इसके अबाउट मूवमेंट ले रहे हैं, इसका मतलब बी पे खड़े हो जाएंगे, तो यहां आप जब खड़े होंगे तो यहां से आप क्या देखेंगे R1 कैसे जा रहा है क्लॉकवाइज, R1 इनटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है 1.25, उसके बाद यहीं खड़े रहेगा, ये P1 लग रहा है, ये कैसे जाएगा, ये ऐसे आएगा, तो कैसे जाएगा एंटी क्लॉक, तो माइनस P1 इनटू ये वाली डिस्टेंस, तो आपको पता है कि ये जो डिस्टेंस होती है ट्रायंगल में वो h/3 के बराबर होती है, राइट। तो यहां पे आपने क्या लिखा R1 इंटू 1.25 माइनस P1 इंटू h/3, तो h मतलब उस प्लेट की हाइट कितनी है 1.25 डिवाइड बाय 3, इक्वेट करेंगे 0 से, क्योंकि मूवमेंट नॉर्मली प्रेस स्टील की वाटर टैंक की प्लेट होती है वो जॉइंट्स होते हैं, जॉइंट मूवमेंट 0 रजिस्ट करते हैं, तो इक्वेट किया 0 से, तो R1 कितना आ गया 3.193 किलो न्यूटन। अब इसी तरीके से आप लोग नेक्स्ट निकालेंगे टेकिंग मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए, अब मुझे R2 निकालना है, तो मैं ए के अबाउट मूवमेंट ले रहा हूं, इसका मतलब अब मुझे ये R2 वाला निकालना है, तो अब मैं ए के अबाउट मूवमेंट ले रहा हूं, मतलब मैं अब यहां खड़ा हूँ, यहां से R2 देखूंगा कैसे जाएगा एंटी क्लॉक, माइनस R2 इनटू दिस डिस्टेंस 1.25, और P1 जाएगा क्लॉकवाइज P1 इनटू ये डिस्टेंस, तो ये टॉप से जो डिस्टेंस होती है ये होती है 2h/3 पे, तो मैंने यहां पे क्या लिखा, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि मैंने यही लिखा हुआ है माइनस R2 इनटू 1.25 प्लस P1 इनटू 2h, मतलब h कितना 1.25 डिवाइड बाय 3, इक्वेट करेंगे 0 से, तो यहां से R2 जाएगा 6.387 किलोमीटर,
क्लियर है। अब जैसे ही ये निकालेंगे उसके बाद फिर आपको नीचे की रिएक्शन निकालनी है, तो टेकिंग मूवमेंट अबाउट पॉइंट सी, अब सी के अबाउट मूवमेंट लेके कहां से बी से ले रहा हूं और मैं आर टू डबल डैश निकालने वाला हूं। इसका मतलब अब मैं क्या निकालने वाला हूं, अब मेरे को ये तो निकल गया, ये भी निकल गया, मेरे को आर टू डबल डैश निकालना है, तो इसके लिए मैं सी के अबाउट मूवमेंट लूंगा, सी पे खड़ा हूं, मतलब यहां पे खड़ा हूं, तो यहां पे खड़ा हूंगा, तो आर टू डैश कैसे जाएगा, क्लॉक वाइज आर टू डैश इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1.25। उसके बाद ये P2 कैसे जाएगा, एंटी क्लॉक माइनस P2 इनटू ये डिस्टेंस, तो ये जो डिस्टेंस होती है ना बेटा ये होती है वाई बार, और वाई बार क्यों होती है, क्योंकि ये ट्रेपेज़ॉइडल है ना, ट्रेपेज़ॉइडल की जो सीजी डिस्टेंस होती है यहां से हम वाई बार से रिप्रेजेंट करते हैं उसको, तो वाई बार, तो अब मेरे को अब सबसे पहले वाई बार निकालना पड़ेगा, तो मैंने लिखा वही है आर टू डबल डैश इंटू 1.25 माइनस P2 इनटू वाई बार इक्वल किया जीरो से। अब मुझे वाई बार चाहिए, वाई बार सीजी डिस्टेंस जो कि होगी फ्रॉम सी, सी पॉइंट से, जो कि आपको अगर याद हो तो आप लोगों ने कई बार पढ़ा हुआ है कि इसका फॉर्मूला होता है सीजी का ट्रेपेज़ॉइडल के लिए, आप गूगल सर्च भी कर सकते हैं, टू बी प्लस ए डिवाइड बाई ए प्लस बी इंटू एच बाई थ्री, ये इसका सीजी फॉर्मूला होता है। तो ये सीजी फॉर्मूला मैंने यहां पे लगाया, अब इस सीजी फॉर्मूले को लगाने के बाद ये वाई बार में मैंने वैल्यू पुट कर दी, तो यहां पे टू का टू रहेगा और बी, तो बी मतलब क्या होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा कि बी मतलब मैं ये वाली वैल्यू पुट कर रहा हूं, ए मतलब ये वाली वैल्यू रहेगी और बी मतलब ये वाली वैल्यू रहेगी, ठीक है। तो अब मैंने यहां पे वैल्यू पुट कर दी ए और बी की जगह पे, और एच मतलब उसकी हाइट कितनी है 1.25 डिवाइड बाय 3, तो वाई बार आएगा 0.694 मीटर, और इसको चेक करना है कि ये सही है कि गलत, तो ये सिंपल सी बात है कि भाई ये टोटल हाइट कितनी है 1.25, तो ये ऑलमोस्ट इसके हाफ के बराबर आएगा, ऑलमोस्ट थोड़ा सा आधे से ज्यादा आएगा, क्योंकि सीजी जो नीचे से होता है वो थोड़ी ज्यादा डिस्टेंस पे होता है, नहीं सॉरी ऊपर से ज्यादा डिस्टेंस पे होता है, नीचे से थोड़ा कम पे होता है, तो उस हिसाब से देख लीजिएगा ऑलमोस्ट हाफ के बराबर आना चाहिए, तो ये ऑलमोस्ट हाफ के बराबर आ रहा है, मतलब सही है। उसके बाद हम लोग आगे गए, उसमें वैल्यू पुट करती है, आर टू डबल डैश निकालना है 1.25 हमें पता ही है ये आपको, इसके बाद आपका था पी टू इंटू ये डिस्टेंस, ये वाई वाई पुट कर दी, यहाँ से आर टू डबल डैश निकल गया, आर टू डबल डैश निकल गया, फिर आर टू निकाल सकते हो, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि जो आर टू होता है वो किसके बराबर होता है, आर टू डैश प्लस आर टू डबल डैश, इसमें आपने दोनों वैल्यू पुट कर दी तो आर टू निकल गया। अब आर थ्री निकालना है, तो आर थ्री को आप डायरेक्ट निकाल सकते हो कैसे भाई, ये जो पी टू है इस P2 में से R2 डबल डैश को माइनस कर दो, तो ये आपको R3 मिल जाएगा, क्योंकि जितना लोड है उतनी तो रिएक्शन होती है, ये तो हम पहले से जानते हैं, तो हमने यहाँ पे किया R3 इक्वल P2 माइनस R2 डबल डैश, यहाँ से ये आ गए। तो इस तरीके से आप इनकी रिएक्शंस निकाल सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ये रिएक्शन निकलवा क्यों रहा हूं, मैं रिएक्शन इसलिए निकलवा रहा हूं भाई कि जब P1 और P2 फोर्स लगेंगे, वाटर का प्रेशर प्लेट पे लगेगा, तो बेसिकली आपकी जो टैंक है वो टैंक आपका ये, जब वाटर का प्रेशर इन प्लेट्स पे लगेगा, यहां पे लगेगा, तो ये प्लेट क्या होगा, बाहर की तरफ मूव करेगी, मतलब बाहर की तरफ मूव करेगी, मतलब स्ट्रक्चर टूटा, तो आपको क्या करना है, ये प्लेट को एज इट इज अपनी पोजीशन पे रखना है, तो इसके लिए ये जो स्टे है इनको खींच के रखते हैं, पुल करके रखते हैं। तो अब ये जो स्टे है इसको कितना ये पुल करके रखना है वो कहां से पता चलेगा, वो यहां रिएक्शन से पता चलेगा, कि भाई सिंपल सी बात है कि जितना वाटर का प्रेशर यहां से गया उतनी यहां से आपको रिएक्शन चाहिए, तो जितनी रिएक्शन चाहिए वो रिएक्शन कौन देगा, वो ये स्टे आपको देगा, तो आप रिएक्शन निकाल रहे हो जिसकी वजह से आपको स्टे के ऊपर फोर्स कितना वो पता चलेगा, और जब फोर्स पता चल जाएगा तो हम स्टे को डिजाइन कर सकते हैं। तो बस मैंने वही किया, वही रिएक्शन मैंने निकाल लिए। अब मैं रिएक्शन के बाद मैं आगे जाता हूँ यहाँ पे कैलकुलेशन, तो मैंने नीचे लिखा ऑल द स्टे बोथ इन द हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल आर इंक्लाइंड एट 45 डिग्री, वो सब मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। फोर्स F1 और F2 अब मैं निकाल सकता हूँ, जो मैंने पीछे आपको बताया था F1 F2 निकालना है, तो F1 इक्वल होता है R1 अंडर रूट 2, क्योंकि ये डायगोनल कंडीशन है, साइन कंडीशन मैंने लगाई हुई है, तो ये F1 मेरे को निकालना है, F1 निकालना है, जो कि क्या होगा ये R1 से कनेक्टेड है, इसलिए R1 अंडर रूट 2, तो मैंने सीधी अंडर रूट 2 की कंडीशन लगा दी साइन के साथ, थीटा आपको पता था तो डायरेक्ट मैंने कंडीशन लगा दी, तो वो कंडीशन हो गई, तो यहां से कितना हो गया ये हो गया F1 इक्वल 3.195 अंडर रूट 2 के बराबर, ये आपका R1 था तो F1 आ गया। इसी तरीके से F2 निकालना है, तो F2 हो जाएगा, F2 किससे कनेक्टेड है, आपका R2 से कनेक्टेड है, ये देखिए R2 से कनेक्टेड है, तो इस पे कितना आएगा, तो इस पे कितना आएगा R2 अंडर रूट 2 के बराबर, सेम कंडीशन है, तो इससे F2 की वैल्यू आ जाएगी। जैसे ही F2 आ जाएगा, जैसे आपको स्टे पे फोर्स पता चलेगा, आपका पता चलेगा कि आपका जो स्टे है वो कितना आपके ऊपर पुल लगेगा उसके ऊपर, तो उसी हिसाब से उसका क्रॉस सेक्शन एरिया हम लोग रखेंगे। तो अब उसके लिए मैं आगे गया, तो स्ट्रेस इन एक्सियल टेंशन हम सबसे पहले निकाल लेंगे। एक्सियल टेंशन स्ट्रेस मतलब कि जो आप स्टे लगाओगे, तो सिंपल सी बात है कि स्टे ऐसा खींचेगा, स्टे होता है स्टील का एक मेंबर होता है, तो वो ऐसे खींचेगा, तो ये कितना एक्सियल टेंशन रजिस्ट कर सकता है, तो वही रजिस्ट कर सकता है 0.6 इंटू FY के बराबर। 0.6 इंटू FY कितना होता है, FY माइल्ड स्टील की यील्ड डिस्ट्रेस होती है 250, तो ये आएगा 150 न्यूटन पर MM स्क्वायर, इतनी स्ट्रेस रजिस्ट कर सकता है। बट एज पर द IS कोड 804/1968
आईएस कोड के अकॉर्डिंग वाटर टैंक का जो आईएस कोड है वो ये बोलता है कि ये जो स्टे आप लगाने वाले हो कहाँ टैंक के अंदर लगाओगे, टैंक के अंदर लगाओगे मतलब अंदर पानी भी रहेगा, तो इसका मतलब ये स्टे हैं पानी के कनेक्ट में रहेंगे, वाटर के कनेक्ट में रहेंगे। और हमें पता है कि वाटर की वजह से आपके किसी भी स्टील के मेंबर के ऊपर क्या आता है, क्रोजन आता है, क्रोजन मतलब जंग आता है, तो जंग आता है और ये कंटिन्यूसली पानी के टच में है तो कहीं ना कहीं इसकी स्ट्रेसेस पे इफेक्ट होता है इसके, तो हम जितनी स्ट्रेस ये दे सकता है हम उतनी कंसीडर नहीं करते, उससे भी कम करके चलते हैं जिससे हम सेफर साइड रहे। तो कितनी कम करते हैं, तो हम 20% कम करके चलते हैं। इसका मतलब जितनी स्ट्रेस आपको मिलेगी उसको आप 0.8 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 100 में से आप कितना सिर्फ 20% कम कर रहे हो, तो ये कम हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 150 की जगह हम लेंगे कितना 120 लेके चलेंगे। अगर ये वाटर के टेस्ट में नहीं होता तो हम इसको 150 लेके चलते, बट अभी के केस में वाटर के टेस्ट में इसलिए 120 स्ट्रेस हम लेके चलेंगे। जैसे हमें ये स्ट्रेस पता चलेगी उसके बाद नेट एरिया ऑफ द टॉपस्फीयर निकालेंगे, तो नेट एरिया एरिया निकालना, एरिया इक्वल क्या होता है स्ट्रेस क्या होता है फोर्स बाय एरिया, तो आपका एरिया क्या हो जाएगा फोर्स डिवाइड बाय स्ट्रेस। तो फोर्स F1 के लिए निकाले हैं तो F1 ले लिया डिवाइड बाय स्ट्रेस, F1 कितना था 4.516 किलो न्यूटन में था इसलिए 10^3 डिवाइड बाय स्ट्रेस जो अभी पीछे मैंने निकाली 120, तो इसका एरिया रिक्वायर्ड आ गया। इसका मतलब आप जो टॉप स्टे प्रोवाइड करोगे उसका ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, मतलब क्रॉस सेक्शन मतलब ये वाला एरिया, ये कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 37.63 mm² मिनिमम इतना होना चाहिए। और इसी तरीके से नेट एरिया ऑफ बॉटम स्टे निकालेंगे, तो बॉटम स्टे पे F2 बाय स्ट्रेस हो जाएगा, F2 आपको पता है डिवाइड बाय स्ट्रेस किया, तो इसका बॉटम का कितना एरिया होना चाहिए इतना होना चाहिए। अब देख रहे हैं ये वैल्यू बहुत ज्यादा है और ये बहुत कम, क्यों, क्योंकि ये टॉप स्टे है, टॉप स्टे का मतलब वाटर का जो प्रेशर है आप कम है, इसका मतलब यहाँ पे एरिया कम चाहिए, लेकिन बॉटम का प्रेशर नीचे जब जाओगे तो बढ़ जाएगा, इसकी वजह से नीचे की जो स्टे है उस पर आपको एरिया ज्यादा चाहिए। अब ये एरिया इतना चाहिए तो कितने बाय कितने का लगाएं, तो मैंने लगा दिया हैंड्स प्रोवाइड 30/6 mm थिक माइल्ड स्टील फ्लैट, फ्लैट मतलब क्या होता है स्टील के ऐसे मेंबर्स आते हैं जो ऐसे स्केल के जैसे होते हैं, मतलब जिनकी एक ऐसी लेंथ होती है, ये विड्थ होती है और ये थिकनेस होती है, ऐसे सिंपल से, तो इनको फ्लैट्स बोलते हैं। तो ये स्टील के मेंबर हम प्रोवाइड कर रहे हैं जिसकी हम ये विड्थ 30 मान रहे हैं, ये हम 30 रखेंगे और ये थिकनेस हम कितनी रखेंगे, ये हम 6 रखेंगे, माइल्ड स्टील फ्लैट्स फॉर टॉप स्टे। एंड बॉटम के लिए हम कितना रख रहे हैं 60/6 रख रहे हैं थिक बॉटम स्टे फ्लैट्स कनेक्टेड दिस यूजिंग द 40 mm रिवेट, मतलब इसको हम जब कनेक्ट करेंगे टैंक से तो उस कंडीशन में जो हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे इसको, आप देख रहे हैं ये स्टे यहाँ पे कनेक्ट हुआ है, ये यहाँ पे कनेक्ट हुआ है, तो जब इसको यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो 14 mm की रिवेट के लगा के हम इसको कनेक्ट करने वाले हैं। तो अब जब हम रिवेट लगाएंगे तो इसका नेट एरिया निकालना पड़ेगा, तो नेट एरिया कितना हो जाएगा, नेट एरिया हमको जैसे टॉप स्टे का निकालना, और नेट एरिया का मतलब क्या है, तो सिंपल सी बात है कि भाई मैंने ये विड्थ कितनी रखी टॉप के लिए 30 रखी, लेकिन जब इसको मैं कनेक्ट करूंगा तो यहाँ पे रिवेट लगाने के लिए होल करना पड़ेगा मुझे, तो होल करूंगा तो इतना एरिया यहाँ से कम भी तो हो जाएगा, तो नेट एरिया कितना बचा, तो 30 माइनस कितने एमएम की रिवेट लगा रहा हूं मैं 14 mm की, तो 14 और होल डाया का अपन कितना लेते हैं रिवेट का ग्रॉस डाया 1.5 ऐड करते हैं, तो 1.5 ये इसमें से माइनस हो जाएगा, ये एरिया कम हो जाएगा यहाँ से मल्टीप्लाई बाय थिकनेस ऑफ द मेंबर 6, तो नेट एरिया कितना बचेगा 87, मतलब अगर मैं टॉप पे 30/6 का फ्लैट प्रोवाइड कर रहा हूं तो बचेगा एरिया जो नेट वो कितना बचेगा 87, जबकि चाहिए मुझे कितना है 37.63, तो इससे तो ज्यादा ही बच रहा है, इसका मतलब सही है आपका डायमेंशन। नेट एरिया फॉर बॉटम स्टे निकालेंगे, तो यहाँ पे अभी 30 था, अब बॉटम पे अपन 60 का लगा रहे हैं, तो 60 में से ये सेम चीज माइनस कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 6, तो एरिया कितना बढ़ा है 267, जबकि चाहिए कितना था 226, तो इससे भी ज्यादा है, इसका मतलब आपके डायमेंशन यहाँ पे सही है। अब आपको एक प्रॉब्लम होगी कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये मेरे को 30/6 का लेना है, ये मुझे 60/6 का लेना है, ये भी तो दिक्कत है, तो कैसे लेते हैं बेटा, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि क्या होता है, जैसे मैंने बोला कि ये फ्लैट होता है, तो ये आपका मैंने बोला कि मैं मान रहा हूं कि ये 30, अब मुझे कैसे पता चला कि मुझे ये 30 लेना चाहिए, 6 तो थिकनेस स्टैंडर्ड है, शुरू 6 से होती है, तो आप 6 mm ही रखिएगा, उसमें कोई इशू नहीं, लेकिन आपको ये विड्थ कैसे पता चलेगा, तो याद रखिएगा कि जैसे अगर मैं 14 mm की रिवेट लगा रहा हूं उसका मतलब मैं यहां पे होल जो करूंगा वो कितने का करूंगा, एक्स्ट्रा 1.5 करते हैं मतलब 15.5 का, तो ये होल कर दूंगा, तो अगर मान के चलो मैं ये 15 ले लेता 20 ले लेता तो ये इतना तो होल ही कर देता, तो बीच में से टुकड़े हो जाते इसके, तो दो पार्ट हो जाते, तो जितने mm का आप रिवेट लगा रहे हो और जितने का आप होल कर रहे हो ऑलमोस्ट उसके डबल के बराबर आपको शुरुआत करनी है, तो डबल मतलब 15.5 था तो इसका डबल ऑलमोस्ट 31 हो रहा था, तो राउंड फिगर में मैंने इसको 30 ले लिया और थिकनेस आपको 60 रखनी, ठीक है। अब उसके बाद इससे ये यहां पे सेफ हो गया, अब ये वाला एरिया तो इससे डबल से भी बहुत ज्यादा है, तो मैंने बोला कि आप नीचे जो है ये 30 इसको अपन 60 ले लेते हैं, तो यहां पे मैंने इसके रिस्पेक्ट में इसको डबल करके ले लिया क्योंकि एरिया ज्यादा था, तो 60 ले लिया, अगर यहां पे ये वैल्यू कम होती और ये ज्यादा हो जाती तो कुछ नहीं, मैं ये विड्थ को बढ़ा देता, समझ रहे, तो ये वाला तो इसके रिस्पेक्ट में रिवेट के रिस्पेक्ट में ले लेना और इससे डबल ये ले लेना, अगर बाय चांस फेल हो तो इसको बढ़ा देना तो ये आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी, क्लियर है। इस तरीके से आप लोग स्टे की डिजाइनिंग करते हैं, मतलब मुझे पता चल गया कि टॉप में मुझे स्टे प्रोवाइड करना है इतने 30/6 mm का और बॉटम पे करना है 60/6 mm का, इस तरीके से हम स्टे डिजाइन करते हैं, तो यहाँ पे स्टे की डिजाइनिंग खत्म होती है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा इसमें कि नीचे जो बीम सेक्शंस होते हैं जो ये लगे हुए हैं आई सेक्शंस, इनको कैसे डिजाइन करते हैं, डिजाइन ऑफ बीम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।